वैश्विक महामारी ने लेर राजधानी जयपुर रा चार दीवारी क्षेत्र में कर्फ्यू रे दौरान पुलिस री चाक चौपंद व्यवस्था है। छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ समेत कई इलाका में दिन भर भीड़ भाड़ रहे ही वह इन दिना सुनसान नजर आ रही है। पेश है संवाददाता गिरधारी पारिक री एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के साथ साथ कर्फ्यू भी लगा हुआ है। हमारे साथ है कोतवाली थाना अधिकारी यशवंत यादव जी से, इनसे बात करते हैं किस तरह की व्यवस्था है कर्फ्यू को। कर्फ्यू के लिए एक तो लोगों का आवागमन रोकने के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो गलियां हैं, उनको बैरिकेड करके उनके पास जाब्ता लगाया गया है। लगातार जो है पुलिस की मोबाइल जो है गाड़ियां चेतक सिग्मा ये भ्रमण कर रही हैं और लोगों को समझाइश कर रही हैं कि भाई आप लोग अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकले। ज़रूरत का सामान उनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है। उसके जो राशन की गाड़ियाँ हैं वो वहाँ उनके घरों तक जा रही हैं, गलियों में जा रही हैं। साथ ही साथ फल फ्रूट की भी पर्याप्त जो ठेले वगैरह हैं वो भिजवाए जा रहे हैं वहाँ। किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की खाने पीने की वस्तुओं की असुविधा नहीं हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कहीं से भी कोई सूचना आती है तो उस पर हम उनको सहायता उपलब्ध करवाते हैं। चार दीवारी में सभी जगह जो चार दीवारी में आते हैं जैसे रामगंज, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी का कुछ हिस्सा है, माणक चौक है, कोतवाली है और नाहरगढ़ जो है ये मेनली चार दीवारी का पार्ट है, इनमें सभी में कर्फ्यू है। और कर्फ्यू के दौरान पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था है और पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि कोरोना को मात देने के लिए आम जन को घर में रहना जरूरी है। गिरधारी पारिक, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।